गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो यहां बैठे आईएएस आईपीएस अधिकारी, देश के होने वाले भावी नेता, देश के होने वाले भावी इंडस्ट्रियलिस्ट या टॉप कंपनीज के सीईओस को मेरा नमस्कार। जिन्होंने नमस्ते अभी भी नहीं करी उनको दोबारा नमस्ते। ऐसे क्योंकि ये देश के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी निकलेंगे, आईएएस आईपीएस निकलेंगे, टॉप कंपनीज के सीईओस निकलेंगे या कंपनी के ओनर्स निकलेंगे, या आप सब में से ही तो निकलेंगे, कोई बाहर से थोड़ी आएगा, है ना। तो इसलिए मेरा आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। बिकॉज कल को जब आप उन ऊंचे पदों पर पहुंच जाओगे, उन ऊंचे अधिकारी लेवल पे पहुंच जाओगे, तो उस समय आप कभी ये सोचो कि मैं आपसे बात करने आया था और मुझे पहचान लोगे आप, तो ये मेरे लिए उस समय काफी होगा। क्योंकि देखो, टीचर्स, जितने भी आपके टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स हैं, वो हमेशा आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, करेक्ट। दो ही शख्सियत ऐसी होती हैं जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, एक आपके टीचर्स, दूसरे पेरेंट्स, राइट। तो आज मैं एक मेंटर की भूमिका में यहां आया हूं, तो कल आप मुझसे किसी बड़े ओहदे पर मिलोगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, और आप उस बात को याद रखोगे कि हां, मैं आपसे कुछ आज कहकर गया था जिसकी कोई एक बात, कोई एक शब्द आपके जीवन में उतर गया और आपको अच्छा लगा, इसलिए आपने मुझे याद रखा, तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो स्क्रीन पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, नॉलेज इज पावर। अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊं तो हम सभी इससे सहमत हो जाएंगे, यस, नॉलेज इज पावर। हमने सबने यही सुना और यही सीखा कि नॉलेज इज पावर। मैं इस मिथ को आज तोड़ता हूं। हम सभी को पता, आप यंग लोग हो, सभी को पता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बड़ा बड़ा लिखा रहता उस पे, हाँ, पर पता भी है, सबको नॉलेज है, क्या कोई फिर भी छोड़ पाता है? तो नॉलेज इज पावर है कि नहीं है? सभी को पता है ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लीवर को खराब करती है, लेकिन फिर भी खुशी हो या गम हो तब भी मौका चाहिए पीने का, है? आज उसकी शादी है तो आज वो छोड़ के चली गई, आज पैसा ज्यादा आ गया तो आज पैसा खराब हो गया, मौका चाहिए। नॉलेज सभी को है लेकिन फिर भी हम अप्लाई नहीं करते हैं, हा? सभी को पता है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, करते हैं क्या? नॉलेज तो सबको है। शाम को सुबह ब्रश तो सभी करते हैं, रात के समय भी ब्रश करना, ये सभी को नॉलेज है कि इट इज गुड फॉर हेल्थ, करते कुछ कुछ है, है ना। तो नॉलेज इज अ पावर, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि हमको सब कुछ पता है जब तक, लेकिन हम अप्लाई नहीं करें जब तक, तो नॉलेज पावर नहीं है। नॉलेज प्लस एक्शन इनटू द राइट डायरेक्शन इज द पावर। जब तक हम नॉलेज को एक्शन में तब्दील ना करें और राइट डायरेक्शन में उसको अप्लाई ना करें, तब तक वो पावर नहीं है, ठीक है। तो नॉलेज इज, ओनली नॉलेज इज नॉट पावर, जब तक आप उसको अपने इंप्लीमेंटेशन में ना लाओ, एक्शन में ना लाओ। तो आज हमें ये अपने पुराने मिथ तोड़ने होंगे, नॉलेज इज पावर, दिस इज ओल्ड मिथ। क्या कहते हो कि जितनी चादर उतने, ये भी ओल्ड मिथ है, इसको भी तोड़ते हैं। जितनी चादर उतने पैर पसारे, मींस अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करके रहे, लेकिन आज का लाइफस्टाइल वो नहीं है, आज की यंग जनरेशन वो नहीं है। आज दुनिया में बिलियनियर्स जितने भी हैं वो 30 की एज के ही हैं, फर्स्ट टाइम बिलियनियर्स हैं। तो जितनी चादर उतने पांव पसारे नहीं, चादर को बड़ी कर ले, ऐसा भी तो सोच सकते हैं, राइट। तो ये सब ओल्ड मिथ है कि जितनी चादर उतने, और क्या कहावत कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ, कुछ पाने के लिए कुछ, कुछ कुछ और भी, कुछ और भी स्टेटमेंट आ रही है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हाँ, ये तो ओल्ड मिथ हुआ, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो नया स्टेटमेंट ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करोगे तभी तो कुछ पाओगे, राइट। बिना पाए तो फिर कहते हैं ना कि यदि आप टांग पर टांग रखकर अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हो
तो अच्छा वक्त भी हाथ पर हाथ रखकर आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। डर के आगे सीख है, यदि सीख लोगे तो जीत है। ये सभी पुराने मिथ आज हमें यहां पर तोड़ने पड़ेंगे। देखो, नॉलेज आपको यह सिखाती है, नॉलेज टीचेस अस व्हाट टू से, क्या कहना है, ये आपको नॉलेज बताती है। और स्किल बताता है हाउ टू से, है ना। यदि आप में स्किल आ गई तो हाउ टू से। आपको विजडम बताती है वेदर टू से और नॉट टू से, आपको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये आपको आपकी विजडम बताती है। तो नॉलेज हो, आप में स्किल हो, आप में विजडम हो, तब आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ओनली नॉलेज आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। नॉलेज भी हो, विल भी हो, है ना। आपके पास विल ही नहीं है, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो आपको कोई कुछ सिखा भी नहीं सकता। तो आपके पास इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, आपके पास वो विजडम भी होना चाहिए, क्योंकि सफलता अपने आप से नहीं आती है, सफलता को पाना पड़ता है, सफलता को प्राप्त करना पड़ता है। तो जितने भी आपके थिंकिंग पैटर्न्स अब तक डेवलप हुए हैं उन्हें आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो हाथ पर हाथ रखकर या टांग पर टांग रखकर इंतजार करते रहोगे तो वक्त भी आपका इंतजार करता रहेगा कि आप मेहनत करोगे तो तब मैं आपके पास आऊंगा। तो जितने भी पुराने बिलीफ सिस्टम है उन्हें आप चेंज करें। देखो, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम एक दूसरे की कॉपी करके पास हो सकते हैं, राइट। लेकिन जिंदगी के एग्जाम अलग अलग होते हैं। जिंदगी के एग्जाम में आप किसी की कॉपी करके पास नहीं हो सकते, क्योंकि आप हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर किसी की फैमिली सिचुएशंस अलग हैं, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग एटमॉस्फेयर में हुई है। तो जिंदगी के एग्जाम में आपको अपना कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, अपने लिए अपना मुकाम खुद ढूंढना पड़ेगा, अपने जीवन जीने के तरीके को खुद से चुनना पड़ेगा। वहां कॉपी पेस्ट करोगे तो फेल हो जाओगे। जिंदगी एक रंगीन किताब की तरह है, बड़ा खूबसूरत शेर है कि जिंदगी एक रंगीन किताब की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पढ़ रहा है। यानी आप अपनी जिंदगी को पढ़ रहे हो। हर पल में प्यार है, हर पल में खुशी है, जी लो तो जिंदगी है, है ना। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, जी लो तो ये जिंदगी है। तो ये आप सबकी जिंदगी जो है एक रंगीन किताब की तरह है। अब डिपेंड करता है, आप यहां आ गए, एडमिशन हो गया, तो मां बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के पन्ने सिर्फ पलट रहे हो, ये अपनी जिंदगी का आपने उद्देश्य बनाया है इसलिए अपने जिंदगी के पन्नों को पढ़ रहे हो। हर आदमी आज बिखरे हुए पन्नों को समेटने में लगा हुआ है, जिंदगी के बिखरे हुए पन्नों को समेटने में लगा हुआ है। तभी एक शायर कहता है कि जिंदगी के इन बिखरे हुए पन्नों को भले प्यार से चिपकाइए, आप जितने भी रिश्ते नाते बनाए, अपने दोस्त यार बनाए, उससे पहले जिंदगी के बिखरे हुए पन्नों को प्यार से चिपकाइए कि जिंदगी में जो भी रिश्ते नाते आपके टूट गए हैं, जो भी संबंध छूट गए हैं, उन्हें पहले प्यार से बनाइए, तब नए रिश्ते बनाइए, है ना। तो लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी तो नहीं है, जिंदगी इतनी आसान भी तो नहीं है। हम जब भी स्ट्रगल के रास्ते में चलते हैं या चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, बहुत बार हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। तो यहां से अभी अल्बर्ट आइंस्टीन की बात आपने कही थी मैम, तो कुछ शब्द मैं भी अल्बर्ट आइंस्टीन के बताता हूं। जब भी आप अकेले पड़ जाओ जिंदगी में, सोच लो कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, ये फैक्ट है। जब भी आप सक्सेसफुल होना चाहो, सक्सेस की राह पर आगे बढ़ना चाहो, तो सबसे पहले तो परिवार वाला ही डाउट करते हैं, अबे तू करेगा इस काम को, तू कर, हाँ, क्योंकि मां बाप तो हमेशा ये सोचते हैं ना, हमारा बच्चा है, हाँ। फिर दोस्त यार करते हैं, अबे तू करेगा इस काम को। तो हर आदमी आपको
डाउटफुल निगाहों से देखता है। शिव खेरा कहते हैं ना कि फर्स्ट पीपल विल लाफ एट यू, जब भी आप कुछ चेंज मैकेनिज्म के रास्ते पर चलते हो तो पीपल विल लाफ एट यू, पहले वो हंसेंगे, देन दे विल फाइट विद यू, अगर आप तब भी बढ़ते रहे देन दे विल अप्रिशिएट यू, उसके बाद वो आपको तारीफ करेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे जिंदगी में ना बोला, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरा किसी काम में साथ नहीं दिया, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का क्योंकि उनकी वजह से मुझे सारा काम खुद करना पड़ा और मैं जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाया। देखो आपकी तालियां बीच बीच में आती रहेंगी तो मुझे लगेगा मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना। और आप लोग मेरे जैसे बहुत लोग यहां बोलने के लिए आते होंगे, तो चूंकि सुनने वाली ऑडियंस सेम रहती है, बोलने वाली वक्ता भले बदल जाते हो, तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि किसान को जितनी खुशी अपना लहलाता हुआ खेत देखकर होती है। हाँ देखो एसी नहीं चल रहा, तो थैंक यू मैम आपने मेरा ख्याल रखा। किसान को जितनी खुशी अपना लहलाता हुआ खेत देखकर होती है और फौजी को जितनी खुशी अपने सीने पर मेडल देखकर होती है, वक्ता को उतनी ही खुशी आपकी तालियां सुनकर होती है। अब वाली ताली ठीक थी, तो ऐसे ही बसती रहेगी तो ठीक लगेगा। तो हम कहां थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे थे कि मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ना बोला, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे काम करने में साथ नहीं दिया क्योंकि उनकी वजह से मैं सारा काम खुद कर पाया और जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाया। तो हमारे जीवन में भी इस तरह के बहुत सारे अवसर आते होंगे जब हमें लगता है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, घर वाले हम पर विश्वास नहीं कर रहे, हमारे साथी हमारे दोस्त हमारा साथ नहीं दे रहे, तो अकेले ही चलो, जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए कभी। हाँ जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो कुमार विश्वास जी का शेर पढ़ता हूं एक, उससे पहले एक बात बताता हूं, ये शेर लिखा क्यों उन्होंने, कि जब भी कोई चीज टूटती है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है ना, अंडा टूटता है तो उसके अंदर से जीवन निकलता है, ऊर्जा निकलती है, एटम या अणु टूटता है तो उसके अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से कोई बम बना ले या कोई बिजली बना ले, यानी कोई सृजन का कार्य कर ले या कोई डिस्ट्रक्शन का कार्य कर ले, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य कर ले या कोई डिस्ट्रक्शन का कार्य कर ले, यह उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी कोई चीज टूटे अंदर से एनर्जी निकलनी चाहिए। तो आप भी जब भी अंदर से टूट जाओ तो अंदर से एनर्जी निकलनी चाहिए, आपको हताशा निराशा या डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। तो तब कुमार विश्वास कहते हैं कि हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर उजियारा होगा, दिल टूटे या एटम दुनिया में उजियारा होगा। अच्छा ये दिल टूटने वाली बात जो कही, हाँ देखो सानी साहब दिल टूटने वाली बात, हाँ क्योंकि आपकी लाइफ में और बहुत से काम है जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके अलावा, या जो मैं यहां से बोल रहा हूं उसके अलावा, तो ऐसे सरकमस्टांसेस जिंदगी में बहुत बार आ सकते हैं कि जिंदगी में दिल टूट जाए। तो दिल टूटे या एटम दुनिया में उजियारा होगा, हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम दुनिया में उजियारा होगा। आपको अंदर से निकल कर आना चाहिए, जो अंदर से निकल कर बाहर आता है वही दुनिया में कुछ कर पाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो जो दुनिया के टॉप शिखर पर लोग पहुंचे वो अंदर से बाहर आए, तब वो उस मुकाम को पा पाए, है ना। तो कभी भी इस तरह का हार्ट ब्रेक हो या कुछ और इस तरह के सर्कमस्टांसेस जिंदगी में आ जाएं, तो आपको सशक्त बनकर और ज्यादा पावरफुल बनकर चुनौतियां
कहते हैं कि चुनौतियां तो जिंदा इंसानों के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजों के लिए तो लोग वैसे ही रास्ता छोड़ देते हैं। हम बजाओ ना। और एक बात बताता हूं कि चुनौती ईश्वर की सबसे खूबसूरत बेटी है। जब भी आपके जीवन में इस तरह चुनौतियां आए तो समझ लेना ईश्वर ने आपको चुना है उसका हाथ आपके हाथ में देने के लिए। तो ईश्वर की उसे सौगात मानकर जीवन में उतार लेना। और लाइफ में कभी कुछ रॉन्ग राइट नहीं होता, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, टाटा और बिलफोर्ड की आपने कभी स्टोरी सुनी हो कि टाटा ने अभी जब जेएलआर का बिजनेस एक्वायर किया, राइट, सभी जानते होंगे ये तो, जगुआर और लैंड रोवर टाटा ने खरीद लिया था। तो टाटा ने हिंदुस्तान की पहली कार बनाई थी टाटा इंडिका। कार आप लोग जानते होंगे वो अच्छी नहीं चली थी उस समय में, क्योंकि पहली इंडिजिनियस कार आई थी, उससे पहले फिएट एम्बेसडर जो भी होती थी मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन से बना करती थी। तो इंडिजिनियस कार आई पहले टाटा इंडिका, कार अच्छी नहीं चली, कंपनी को कार बिजनेस बेचने का सुझाव दिया गया उसके बोर्ड के द्वारा। रतन टाटा जी ने माइंड भी बना लिया कि चलो बिजनेस बेच देते हैं, हम लोग ट्रक या दूसरे बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वैसे ही करते हैं। 1998 में रतन टाटा और बिल फोर्ड की एक मीटिंग हुई। बिल फोर्ड उस समय फोर्ड कंपनी के मालिक थे। तो टाटा ने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं अपनी टाटा इंडिका कार आपको बिजनेस प्लांट ही बेचना चाहता हूं। अब जब भी आप कुछ नेगोशिएट करते हो तो आप कैसे नेगोशिएट करते हो? आप लोगों को मान लो बाजार में कुछ खरीदना है तो पहले उसकी कुछ कमियां निकालते हो ताकि जो सेलर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, अपनी चीज पर ज्यादा इतराए नहीं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो बिल फोर्ड ने भी उसको ऐसे ही नेगोशिएशन में डाउन करने के लिए बोला कि कार बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में क्यों उतरे थे। रतन टाटा को ये बात दिल पे लग गई। अब वो तो नेगोशिएशन कर रहा है, डील कर रहा है, सामने वाले के सेंटीमेंट से खेल रहा है, पर बात उन्होंने दिल पर ले ली कि जब कार बनानी नहीं आती थी तो इस बिजनेस में क्यों आए। उन्होंने कहा कार नहीं बेचनी। वापिस आए, बोर्ड मीटिंग बुलाई और सबको कहा कि हमने यदि ये इंडिजिनियस कार बनाई है तो इसको सक्सेसफुल होना चाहिए। कार में री इंजीनियरिंग करी गई, इंप्रूवमेंट्स करी गई, वैल्यू इंजीनियरिंग करी गई, इनोवेशंस करी गई, कार धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। उसके बाद फोर्ड ने 2001 में और 99 में जेएलआर का बिजनेस खरीद लिया था। 2008 में आप सभी को अगर याद हो रिसेशन आया था, कितने लोगों को मालूम है रिसेशन 2008 और 9 में? चलो आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, आपको नहीं पता, पर हम लोग उस समय इंडस्ट्री में थे। इस जनरेशन ने, मतलब हमारी जनरेशन ने या हमसे बड़ी जनरेशन ने, आप लोग तो भूल गए, इतना हाई रिसेशन पहली बार देखा था, मंदी जिसको बोलते हैं। कमोडिटीज या मेटल्स की कीमतें 5 गुना कम हो गई थी, हर व्यक्ति की जॉब जा रही थी। हम लोग भी जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे तो रोज ऐसा होता था कि आज गई और कल गई, क्योंकि हमारे सामने रोज 100-200 लोगों की जॉब जाती थी। मंदी आ गई थी, तो जब मंदी आई तो जगुआर और लैंड रोवर का बिजनेस भी फोर्ड को संभालना भारी पड़ा। 2008 में फिर से एक मीटिंग होती है टाटा और बिल फोर्ड की, रतन टाटा और बिल फोर्ड की, किस लिए? इस बार वो मीटिंग होती है कि फोर्ड वो अपना बिजनेस जेएलआर का रतन टाटा को बेचना चाहते थे। यह है तरीका काम करने का। यदि बात दिल पर लगी उनके तो उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया कि जब जो बिल फोर्ड उस समय कह रहे थे 1998 में कि कार बनानी नहीं आती थी तो इस बिजनेस में क्यों उतरे, 2008 में जेएलआर का बिजनेस बनाते बेचते वक्त उन्होंने वही बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारी इस कंपनी को खरीद कर। अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, राइट? तो जब भी एक दो ताली बजाते हैं, बाकी सभी नहीं बजाते, बजाओ। अच्छा, ये है कम्युनिकेशन का तरीका। अगर हम लोग उस बिजनेस डील में होते तो शायद हम
बिल फोर्ड को उस बात का कि कार बनानी नहीं आती थी तो बिजनेस में क्यों उतरे, ऐसा करके हम रिएक्ट करते, राइट, करते नहीं करते। जब भी हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट इस तरह का आरोप लगाए या हमें कोई इस तरह के सेंटीमेंट से खेलना चाहे, हम एकदम से रिएक्टिव मोड में आते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? एकदम से हम अटैकिंग मोड में आते हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कम्युनिकेशन का, इससे कम्युनिकेशन भी सीखनी चाहिए हमको। हम कम्युनिकेशन सीख क्यों नहीं पाते? एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूं आपको, हम कम्युनिकेशन सीख क्यों नहीं पाते। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं, बच्चा जब छोटा होकर स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको साल भर लिखना सिखाया जाता है, राइट सानी जी? साल भर हमें घर में माँ बाप, स्कूल में टीचर लिखना सिखाते हैं, एक साल की ट्रेनिंग होती है हमारी। फिर स्कूल में 8-10 साल हमें पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया बुक्स ऐसे पढ़ती हैं, हिंदी ऐसे पढ़ते हैं, इंग्लिश ऐसे पढ़ते हैं, जिसने जो भी लैंग्वेज पढ़ी हो, 8-10 साल पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जब हम लोग कॉर्पोरेट्स में आते हैं तो हमें स्पीकिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है ना? हमें कम्युनिकेशन के तरीके सिखाए जाते हैं, नए नए तरीके ट्रेनिंग्स दी जाती है, पर क्या लिसनिंग की ट्रेनिंग कभी दी जाती है किसी को? कभी किसी ने सुना होगा? हमें रीडिंग सिखाई गई, हमें राइटिंग सिखाया गया, हमें स्पीकिंग सिखाई गई, पर लिसनिंग तो जिंदगी में कभी सिखाई नहीं जाती। और जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिसनिंग है। जज और एडवोकेट दोनों बोलने का, दोनों काम करते हैं सेम। एडवोकेट बोलने का काम करता है और जज लिसनिंग का काम करता है। हु इज मोर पेड? जज। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लिसनिंग और स्पीकिंग? लिसनिंग। परंतु उसकी तो कभी ट्रेनिंग ना दी जाती है, ना सिखाई जाती है, ना समझाई जाती है। इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन में वीक रह जाते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का ये फोर्थ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये मिस है हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से ये मिस है, हमारी कॉर्पोरेट टीचिंग ट्रेनिंग से ये मिस है। अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं स्पीकिंग के ऊपर, आपने यूट्यूब पे या बड़े सोशल मीडिया आप पे भी सुना होगा कि अच्छे स्पीकर कैसे बने, तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, पर अच्छे लिसनर कैसे बने इसका एक भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो आज से अपनी लाइफ में, आज सभी ये अपने प्रिंसिपल फॉलो कर लें कि सामने वाला जो बात कह रहा है उसको कहने दें। उसकी बात शुरू होने से पहले ही आप अपनी बात रख देते हो। घरों में पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती होगी आपके साथ में, हमारे साथ भी होती है, पेरेंट्स अपनी बात पूरी नहीं करते या टीचर्स अपनी बात पूरी नहीं करते और हम उसको अपनी बात को बीच में रख देते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? तो सबसे पहले सामने वाले की बात को सुने, उसको अंदर जाने दें, मीन्स उसको समझें आप, फिर आप रिस्पॉन्ड करें, आंसर दें, ठीक है? ये सभी आसान सा स्टेप है, फॉलो कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। यस और नो? यस। तो ये पुराने मिथ आज तोड़ रहे हैं हम सभी, हाँ? तो पुराने मिथ यही थे कि भैया अपनी बात को हमने पहले रखना है। ग्रुप डिस्कशन की आपको बड़ी, हो सकता है यहां पर भी ट्रेनिंग कराई जाती है, नहीं तो कॉर्पोरेट्स में कराई जाती है, इंडस्ट्री कॉलेजेस में कराई जाती है, उसमें बोलना ही सिखाया जाता है, सुनना भी सीखना चाहिए। और उसके साथ साथ जिंदगी में कुछ नए शौक भी रखने चाहिए। कहते हैं कि उम्र को जवान रखना है तो शौक जिंदा रखिए। आज मैं आपसे पूछूं, आप में से किसकी हॉबी क्या क्या है, तो बहुत, मैं कहता हूं कुछ ही हाथ उठेंगे जिनके पास अच्छी क्रिएटिव हॉबी होगी। अदरवाइज हम लोग जिंदगी में सोचते रहते हैं कि हॉबी रखे तो रखें क्या। आप जिंदगी में कुछ भी शौक रखिए, लेकिन होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे कौन, कौन बताएगा? एक हाथ उठाए। और देखो, हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को अच्छे से समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, हाथ उठाओ। 40% से कम है। उनके गुरु को एक जानती है बच्ची, आप बताओ क्या नाम? वेरी गुड। क्या नाम आपका? इनके लिए क्लैपिंग करो। थैंक यू। देखो, रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। उनको जीवन में भोजन का रस था। ध्यान से सुनो बच्चों, उधर मैं आपकी आधा पौना घंटा लूंगा यहां पर, लेकिन आपको जिंदगी के लेसन ऐसे देके जाऊंगा जो जिंदगी भर याद रखने चाहिए।
उनको भोजन का रस था। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जीवन में रस पैदा करें, आप जीवन में कुछ ना कुछ शौक पैदा करें, कुछ क्रिएटिव हॉबी पैदा करें जो आपको एक्टिवेट करे, है? जो आपको कभी डिप्रेशन में ना ले जाए, जो आपको कभी तन्हा ना होने दे। उम्र को जमा रखना है तो शौक पैदा रखिए, शौक जिंदा रखिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन में रस आता था। अब जिसको भोजन, जो फूडी होगा, आप लोग में से भी फूडी होंगे, आजकल फूडी वर्ड यूज करते हैं, तो वो टेस्ट में भी तो कुछ ना कुछ कमी बताओगे ना, तो वो भी ऐसे करते थे। उनकी धर्मपत्नी जब भी भोजन लेकर आती थी, हमेशा टीका टिप्पणी किया करते थे कि आज भोजन में मिर्ची कम हो गई, तो आज नमक ज्यादा हो गया, आज रोटी कुछ कम पकी रह गई, या आज सब्जी कुछ ज्यादा लग के पक गई। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी किया करते थे। तो उनकी धर्मपत्नी परेशान होकर एक दिन बोलती है कि आप इतने बड़े गुरु, आपका आशीर्वाद लेकर नरेंद्र जैसे बच्चे स्वामी विवेकानंद बन गए। अच्छा, ये कितनों को पता कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था? 2-3-4 लोगों को पता है। स्टडी कीजिए इन चीजों के ऊपर। आज हमने जो अपने आदर्श बना लिए ना, ये स्पाइडरमैन, ये डोरेमैन, ये ही मैन, आज बच्चे इन्हीं में ज्यादा बिजी रहते हैं। आप अपने बचपन में भी उन्हीं में बिजी रहकर आए होंगे। तो अपने आदर्श इन रियल हीरोस को बनाइए, जिन्होंने सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए कुछ किया। ये देश क्या मोदी जी का अकेला ठेका है बनाने का? क्या लाल किले से ही या इंडिया गेट से ही ये देश बनेगा क्या? ये देश बनेगा आपके और मुझसे, आपके और मेरे प्रयासों से, आपके और मेरे पुरुषार्थ से। ये सरकारें अपना काम करती रहेंगी, लेकिन जब तक आप और मैं डिसिप्लिन नहीं होंगे, ये देश नहीं बन सकता। आप बाहर के मुल्क में जाएं, जितना डिसिप्लिन वहां एक आम आदमी बिना किसी के कहे अपनाता है, क्या हमारे देश में अपनाता है क्या? सभी लाइन से चलते हैं, लाइन से खड़े होते हैं, यहां लाइन हमने कभी देखी नहीं होगी। तो ये सरकारों का काम नहीं है कि आपको समझाए कि लाइन बनाए, ये कॉलेज का, स्कूल का, टीचर्स का काम नहीं है कि हमें समझाएं कि लाइन बनाए, ये अंदर से हमें डिसिप्लिन आना चाहिए, है ना? तो ये देश आपको और मुझको मिलकर बनाना है। तो बात कर रहा था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन में रस आता था और हमेशा वो टीका टिप्पणी किया करते थे। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप इतने बड़े गुरु, आपका आशीर्वाद पाकर नरेंद्र जैसे बच्चे स्वामी विवेकानंद बन गए, और आप कहां इस भोजन में ही रस ढूंढते रहते हो, कभी नमक और कभी मिर्ची। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इस भोजन में मेरे जीवन का रस है, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य है, मेरा पृथ्वी पर बने रहने का एकमात्र कारण मेरा इस भोजन में रस है। और जिस दिन मुझे भोजन में रस आना समाप्त हो जाए, तो समझ लेना उसके कुछ दिनों में मेरा इस पृथ्वी से जाने का समय आ चुका होगा। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जो मेरा जीवन जीने का उद्देश्य है, जब मुझे इसका पता ना चले, तो समझ लेना फिर मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। यह है हॉबी। तो कुछ दिन बाद जब उनकी धर्मपत्नी ने उनको भोजन परोसा, उस दिन उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी नहीं करी। और उनको भोजन खिलाने के बाद जब उनकी पत्नी ने भोजन खाया, तो उसने पाया कि भोजन में नमक तो था ही नहीं। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि आज तो भोजन में नमक था ही नहीं और आपने कुछ कहा नहीं। उनका मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? हां जी, भोजन में रस आना समाप्त हो गया और जीवन इस पृथ्वी से जाने का समय अब नजदीक आने लगा। उनकी धर्मपत्नी समझ गई उस बात को। उन्होंने फौरन स्वामी विवेकानंद जी को तार देकर बुलवाया और उसके ठीक एक हफ्ते बाद स्वामी विवेकानंद जी की गोद में रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। यह है भोजन का रस, यह है जीवन जीने का रस। यदि आप कोई अपनी हॉबी जीते हो, अपना कोई शौक जीते हो, तो उसमें अपना जीवन जियो, उसमें अपनी जिंदगी जियो, इतना उस पर समा जाओ, है ना? ये है, किसी भी काम को जब करो तो दिल से करो। जब तक हम किसी काम को दिमाग से करते हैं ना, तो सिर्फ स्किल अप्लाई कर रहे होते हैं, और जब तक किसी काम को हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं, तो सिर्फ लेबर अप्लाई कर रहे होते हैं। जब दिल, दिमाग और आपके हाथ तीनों मिलकर काम करते हैं, तब आप सही काम को अंजाम दे पाते हो सही ढंग से।
तो लाइफ में सभी अपने लिए कोई ना कोई एम, उद्देश्य, टारगेट, आज आप कहां हो, आपको कितने सालों के बाद कहां पहुंचना है, ये सभी अपने लिए टारगेट आज फिक्स कर लें। घर जाने के बाद में जितने भी आपके जरूरी काम है, दिल टूटने के, जोड़ने के, इसके अलावा कुछ समय निकालकर हमें जिंदगी में जाना कहां है, हम कितना टाइम इन सोशल मीडिया ऐप पर देते हैं। हमारे साथ में अभी गरिमा विरमानी है, शी इज वर्किंग विद बैंक ऑफ अमेरिका, ये आपको कुछ इसी तरह की बात बताएंगी, आपको मोबाइल का यूज कैसे करना है। हाँ, लेकिन मैं आपको अपनी बात यहां एक पूरी करता हूं, उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में दूसरे की बात को समझने का वो पेशेंस रखना चाहिए, राइट? दूसरे की बात को समझने का वो खुला दिमाग रखना चाहिए और अपनी बात रखने की वो स्वतंत्रता आपके मन में होनी चाहिए, बिना किसी डर के आप अपनी बात भी रख पाओ, तब आप अपनी से दूसरों को सहमत कर सकते हो और दूसरों को अपने आप से सहमत कर, वरना आज जिंदगी में सारा झगड़ा ही तो ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। मिलते जुलते शब्द है, ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए, तो जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, तो खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही आहटे तो आनी चाहिए। कल मैं गुड़गांव गया हुआ था तो एक दोस्त से बात हुई, ये खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, उसके ऊपर याद आया, तो एक दोस्त से मैं 25 साल बाद मिला उसके घर जाकर, 25 years back, 25 सालों से हम पहले कभी मिले थे, साथ हमने काम किया, उसके बाद कल हम मिले, उसके घर गए, उसके बच्चों से मिले, 3 बच्चे हो गए, बच्चों से मिले, बड़े बड़े बच्चे, और आज बच्चे भी कॉलेज में आ रहे हैं। तो लेकिन मैंने ये पाया कि भले हम 25 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन हमारी परस्पर वो आत्मीयता मिलते वक्त, वो बॉन्डिंग, वो इंटरेक्शन बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कल भी हम मिले हों, परसों भी हम मिले हों और रोज मिलते हों। तो तभी ये बात आती है कि खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही आहटे तो आती रहनी चाहिए। डिस्कनेक्ट नहीं होना है लाइफ में, है ना, डिस्कनेक्ट नहीं होना है, भले आप मिलें या ना मिलें, दिल मिलते रहने चाहिए, है ना, दिल मिलते रहने चाहिए। तो एक आपको छोटा सा वीडियो यहां दिखाता हूं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने शब्दों से कैसे जादू कर सकते हैं। चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड, हम अपने शब्दों से कैसे जादू कर सकते हैं, ये आपको आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में भी मदद करेगा, ये आपको आपका एटीट्यूड इंप्रूव करने में भी मदद करेगा, ये आपको आपके रिश्ते बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। वो एक भिखारी है, उसके पास कोई देने नहीं आ रहा, तो लेडी कुछ उसके पेपर पर लिख कर जाती है, और उसके बाद पैसे ही पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अब उसके पैरों की आवाज से उसको पहचान रहा है, ये वही लेडी है, कहता किया क्या तुमने, कहते कुछ नहीं, मैंने कुछ शब्द बदले हैं, पहले लिखा हुआ था, पहले शब्द लिखे हुए थे आई एम ब्लाइंड, सो चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड, अपने शब्दों से अपनी दुनिया आप बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, सो हाउ वाज इट, अमेजिंग? यस, ओके ग्रेट। सो
So see, we are in luck today actually, and we have another speaker with us, the very talented Miss Garima Veermani. She is working with Bank of America as a data analyst, and the topic that she is going to take today is something which is going to help us all, trust me, and it's dopamine detox. And I'm sure most of you have heard of serotonin, dopamine, pata hai na sabko? So let's hear more from her and let's make most of this education. Hello everyone, hi. So before my introduction, let me quickly ask, aap log kis stream se hain? MBA finance, nice. Logistics. First of all, thank you guys very much. You guys have been amazing audience. आप लोगों ने बहुत अच्छा respond किया. I know गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है, सबके लिए ज्यादा हो रही है. But before I start quickly, किसी को class के लिए तो नहीं late हो रहा ना? I thought some people had to go to class. No class? All right. हो रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ा 10 मिनट और. मैं वो बोनस पैकेज हूँ, ज्यादा देर नहीं लूंगी, थोड़ा सा ही टाइम लूंगी. तो ना आज का मेरा टॉपिक है, एक सेकेंड, डोपामिन डिटॉक्स. तो क्या हुआ, कल नवीन सर का कॉल आया मुझे एंड ही वॉज लाइक कि आप, मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ एंड सिंस हम लोग क्लोज हैं एज के, ज़्यादा इक्वल तो नहीं बोलूँगी मैं, तो आप लोग एड्रेस कर पाओगे स्टूडेंट को बेटर, तो यू नो कैन यू प्रिपेयर समथिंग. आई सेड टू हिम कि यू नो सर, मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली अ मॉडल स्टूडेंट, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं दिखा सकती उनको, अपनी एक्सपीरियंस अपनी जर्नी से नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा करो फर्स्ट आ जाओगे ये वो. तो ही सेड आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अ मॉडल स्टूडेंट, आई डोंट वॉन्ट यू टू मोटिवेट देम, वो मेरा काम है. आई वॉन्ट यू टू एजुकेट देम, टेल देम समथिंग दैट दे कुड रिलेट टू. आई सेड ओके, आई कैन डू दैट. सो आई चोज दिस टॉपिक विच इज अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद इट. आई स्टिल स्ट्रगल विद इट बट अ लिटल लेस. सो क्विकली दिस विल बी आवर एजेंडा, I'll skip this. So main thing. तो यहाँ पे procrastinate कौन कौन करता है? बस तो अच्छा, कितने लोगों का assignment due है लेकिन उन्होंने एक हफ्ते पहले ही complete कर लिया, due date से एक हफ्ते पहले कितनों ने complete कर लिया? एक दिन बाद, right? So मेरे साथ भी यही होता था, college का assignment, school का homework, due date आने पर ही complete होता था, उससे पहले भूल जाओ. और ये मोस्ट ऑफ द टास्क, अगर डेडलाइन है तो वो टास्क डेडलाइन के जस्ट पहले आने पे हो जाएगा, और जिस टास्क की डेडलाइन नहीं है फिर तो वो तो रहने दो, वो तो नहीं हो पाएगा. तो ये मतलब बहुत ऐसा चलता रहता था, तो इतना कि मैं फेडअप हो गई थी कि ये क्या चल क्या रहा है. तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिसर्च कर लेती हूँ, मतलब हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज होता है ना हम फेडअप हो जाते हैं, गूगल करते हैं क्या हो क्या रहा है. तो मुझे बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगा. तो एक टेड टॉक है विच आई वुड हाईली रिकमेंड बाय टिम अर्बन. सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्रोकेस्टिनेशन. सो ही सेड कि हमारे दिमाग में ना एक मंकी माइंड होता है. मंकी माइंड किस किसने टर्म सुना है? बहुत कम लोगों ने. तो जो इंसान ज्यादा उछलता कूदता है उसको बंदर बोलते हैं ना हम लोग, क्यों बंदर की तरह उछल रहा है, बैठ जा. दिस सेम अप्लाइज टू आवर दिमाग. द ब्रेन विच लैक्स फोकस इजिली डिस्ट्रैक्टेड, ज्यादा उछलता कूदता है दिमाग, उसको हम बोलते हैं मंकी माइंड. इट्स अ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट. तो ऐसा ना हमारे दिमाग में एक बंदर होता है, राइट? एक हम है रैशनल डिसीजन मेकर और एक ही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी. ये मंकी हमारे जो डिसीजन मेकर है ना, इसको बहुत परेशान करता है. और ये मंकी इज लाइक, जो चीज है ना इंस्टेंटली मिल जाए तो हो जाएगा वो काम, अगर उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन है तो नहीं. बिकॉज यू नो द वर्ल्ड, द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी लिव इन, वी हैव सो मेनी थिंग्स इंस्टेंटली अवेलेबल टू अस, बी इट फूड ऑन आवर एप्स, बी इट डेट, बी इट एनीथिंग, मूवीज, सब कुछ ऐसे एकदम अवेलेबल है. अभी मैं आप लोगों से, सर ने हॉबी की बात करी, तो मैं कुछ लोगों से पूछूंगी उनकी हॉबी क्या है. मोस्ट ऑफ यू विल से माय हॉबी इज टू वॉच सीरीज एंड मूवीज. है ऐसी हॉबी है कुछ कुछ लोगों की, बट वॉट इज दिस हॉबी, ये क्या हॉबी हुई? नहीं ना, कुछ नहीं है, ये हॉबी है ही नहीं. बट स्टिल इनफैक्ट इन कॉर्पोरेट एज वेल, सम पीपल हैव रिटन इट ऑन द रिज्यूमे दैट माय हॉबी इज वॉचिंग सीरीज. व्हाट इज दिस हॉबी? दिस इज नॉट अ हॉबी. सो व्हाई? बिकॉज दिस हॉबी, दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, स्क्रॉलिंग स्टफ ऑन इंस्टाग्राम, वॉचिंग सीरीज, वॉचिंग मूवीज, सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, दैट लीड्स टू the instant gratification monkey taking charge of the rational decision maker.
तो व्हेनेवर यू नो रैशनल डिसीजन मेकर इज लाइक यू नो कुछ काम करते हैं ढंग का काम करते हैं तो इट बी लाइक नो लेट्स स्क्रॉल सम रील्स यू नो या यूट्यूब पे उस फालतू से बंदे का इंटरव्यू देख लेते हैं या फिर कुछ भी यू नो काम बाद में हो जाएगा अभी है डेडलाइन में टाइम है ठीक है बट देयर कम्स अ स्टेज बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड इन सच वर्ल्ड वी आर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विद नोटिफिकेशंस विद सो मेनी स्टफ अराउंड अस थैंक्स टू टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है बट देन इट हैज़ ऑल्सो इट्स ड्रॉबैक्स तो हमारे पास इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना कि जो ये मंकी है ना ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हमारे डिसीजन मेकर को हटा के खुद पे कंट्रोल उसने हमारे दिमाग का ले रखा है राइट वुड यू गाइज एग्री विद मी थैंक यू सो येस दिस हैपेंड विद मी सो दिस मंकी हैड टेकन कंट्रोल ऑफ माई माइंड So I studied that why does this monkey has so much power over me? Any guesses? ज़्यादा interesting कह लो क्यों ज़्यादा interesting लग रहा है? अच्छा लगता है right? Instant pleasure like again we circle back to the word instant because what happens here is कि अपने दिमाग में ना ये सब देखने से कुछ chemicals release होते हैं अभी मैम ने मेंशन करा वी हैव ऑक्सीटॉक्सिन वी हैव सेरोटोनिन वी हैव डोपामिन एंड वी हैव एंडोर्फिन तो जो ये हम मेन टॉपिक जिसके बारे में ये प्रेजेंटेशन थी फाइनली उसका मेंशन हो गया सो अभी हम बात करेंगे डोपामिन की तो डोपामिन है क्या हैप्पी हार्मोन करेक्ट बट दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज रिलीज ये सारे ही हैप्पी हार्मोन है ऊपर चार पांच जितने भी है ना चार बट ये पर्टिकुलरली डोपामिन जो है ना ये ना तब रिलीज होता है जब अपने ब्रेन को रिवॉर्ड करना होता है किसी चीज के लिए मतलब रिवॉर्ड देना होता है ना तो दिस हार्मोन रिलीजेस दिस केमिकल रिलीजेस राइट तो दिस इज द रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन ये तब होगा जब हम लोग यू नो कुछ अच्छा देख लेते हैं कुछ अच्छा खा लेते हैं कुछ अच्छा कर लेते हैं विच इंक्लूड्स गुड थिंग्स लाइक यू नो एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक्स जल्दी उठ के अच्छा अच्छा फील होता है ना ये तब भी रिलीज होता है बट ये तब भी रिलीज होता है जब हम इसको इंस्टेंट स्टफ देते हैं इंस्टेंट यू नो इंस्टाग्राम पे 15-15 सेकेंड की रील स्क्रॉल करना और ऐसे नेटफ्लिक्स पे देख रहे बिंज वॉच कितने लोगों ने करा है इतनी जोर से हाथ खड़ा करने वाली बात नहीं थी मतलब अच्छी बात है हम सब ने करा है बट यू नो वी टेंड टू फॉल इनटू दिस ट्रैप अलॉट तो ये तब भी रिलीज होता है तो पर दिक्कत क्या है मतलब अच्छा है हैप्पी रख रहा है हार्मोन तो हम मैं क्यों इसके बारे में खड़े होकर बोल रही हूँ क्या दिक्कत है हैप्पी रख रहा है हैप्पी रहना हम सबका मोटिव है खुश रहना और हमें हैप्पीनेस मिल रही है तो दिक्कत कहाँ आ रही है एनी गेसेस प्लीज गुड नथिंग प्रोडक्टिव हैज बीन हैपनिंग एनी अदर थिंग Absolutely. Right. We will be addicted to such high levels of dopamine. तो उसके बाद क्या होगा एडिक्शन हो जाएगा ना तो उसके बाद जो छोटे लो लेवल डोपामिन रिलीज करने वाले टास्क है ना उनको करने का मोटिवेशन खत्म You will not be motivated to get up in the morning. You will not be motivated to exercise. You know, some small real dopamine releasing stuffs. ये सब करने का मन ही नहीं करेगा टाइम पे काम कर ले कोई बात नहीं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके ज्यादा डोपामिन मिल रहा है यू नो अमेजोन पे शॉपिंग कर लेते हैं मिंत्रा पे देख लेते हैं कौन सी नई ड्रेस आई है इस इन्फ्लुएंसर ने क्या पहना उसने क्या करा ये सब तो हम सब करते ही है ना उसने कौन सा जिम में भी कुछ लोग ऐसे जिम वालों को फॉलो करते हैं उसने कौन सा नया प्रोटीन लिया जो खरीदते ये करते वो करते हैं सब ये सब करते रहेंगे एक्चुअल स्टफ नहीं करेंगे सो यस ही वॉज राइट वी आर बींग एडिक्टेड टू सच हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन हमारे दिमाग में फ्लडेड हो गया ये केमिकल तो ये जो केमिकल लोचा हो रहा है ना इसकी वजह से एक साइकिल बन गया है यू नो वी डू समथिंग विच इज विच वी परसीव टू बी प्लेजरेबल इट इज नॉट एक्चुअली यू नो हेल्पिंग अस इन एनी वे देन वी फॉर्म दैट पैटर्न We do it again and again and then, you know, but there is a point, we'll feel a crash, you know, abhi kam lag raha hai dopamine, to fir se wahi high dopamine wali activity karni shuru kar di humne. Are you guys with me? Samajh aa raha hai na, right? So, ye ek cycle ban gaya hai, aur is cycle ko apan ko todna hai, right? So, let's do a dopamine detox.
बट वाई डू वी नीड टू डू आई ऑलरेडी एड्रेस्ड इट बट सिंस वी हैव द स्लाइड हेयर सो आई क्विकली टेक अ मिनट बिकॉज ऑफ डोपामीन इफ वी डू अ डिटॉक्स वी विल बी डूइंग लेस प्लेजरेबल एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिनसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन होगा मतलब इंस्टेंट नहीं होगा आपको आपका असाइनमेंट करके ऑल्दो एक हफ्ते बाद वो यू नो रिजल्ट मिलेगा कि चलो एक हफ्ते बाद सुकून के साथ आएगी चलो हो गया ये सारी चीज़ें यू नो एक्सरसाइज करके एक दिन में तो किसी को असर नहीं दिखता है राइट तीन महीने बाद दिखेगा असर वो भी ये सब डिलेड ग्रेटिफिकेशन है सो स्टफ लाइक दैट ये हम करने के काबिल बनेंगे यू नो सो देर आर फ्यू थिंग्स इम्प्रूव्ड फोकस इंक्रीज्ड मोटिवेशन इम्प्रूव्ड स्लीप रात को 12 बजे से पहले कौन सोता है बस झूठ मत बोलो 3 बजे तक तो हाँ 12 बजे दिन ही तो बोल रही थी मैं नहीं नहीं दिन के बेल सो जाते हो वेरी नाइस तो रात को 3-3 बजे तक रील स्क्रॉल करना ये सब करना इट ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट दिस मेसेज अप योर स्लीप साइकिल स्टफ स्टफ ब्ला 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 बॉडी खराब हो रही है सब हो रहा है सबको पता है तो अभी ये सब पता है तो करे क्या अब करे बट डोपामिन तो चाहिए हैप्पी हॉर्मोन तो चाहिए तो करे क्या So let us focus on getting the real dopamine instead of the cheap dopamine that we always tend to, you know, get followed through. We tend to fall into that trap. So quickly, in mein se real dopamine activities kaun karta hai? What? Quickly. Kya karte ho? Exercise. Good sleep. और अच्छा चीप डोपामिन कौन कौन करता है टीवी सीरीज अल्कोहल जंक फूड सोशल मीडिया राइट सो वी ऑल नो दैट दिस इज चीप डोपामिन ओके गाइस अटेंशन ओवर हियर ओवर टू मी ये है चीप डोपामिन ये है रियल डोपामिन ठीक है अब अभी ये करे क्या ऐसा जो मतलब यू नो वी टेंड टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप तो करना क्या है यू नो बता दिया क्या हो रहा है क्यों हो रहा है क्या करें इसके कुछ स्टेप्स हैं बट बेसिकली स्टेप्स भी नहीं है ये सब हमारे दिमाग में है तो आई वुड यू नो टेल यू 3 steps यू नो डू दिस गेट अप ऐसे लेफ्ट चलो राइट चलो नींबू काटो ऐसे कोई मेरे पास प्रोसीजर्स नहीं है राइट क्योंकि जो है ना हम खुद ही करेंगे जादू टोना नहीं है मेरे पास ऐसे इंस्टेंट यू नो सर्कलिंग बैक टू दैट इंस्टेंट रिजल्टिंग कोई इंस्टेंट इसका मेरे पास रिजल्ट नहीं है और किसी के पास भी नहीं है राइट कुछ भी नहीं है ऐसा बिकॉज हमारे डेली के स्टेप्स हमारी छोटी छोटी चीजें विल यील्ड द एक्चुअल रिजल्ट्स तो मेरे पास ना इसका बहुत ही ऐसा कुछ रोड मैप नहीं है टू फॉलो बट आई वुड आस्क यू गाइस टू यू नो डू योर रिसर्च यू नो फाइंड आउट योर पॉइजन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर पॉइजन बिकॉज इंस्टाग्राम मे बी माई पॉइजन बट नॉट योर्स राइट शॉपिंग मे बी हर पॉइजन बट नॉट योर्स राइट सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू फाइंड योर पॉइजन आइडेंटिफाई इट देन सेट सम नॉन नेगोशिएबल्स सो माई नॉन नेगोशिएबल इज उठ के 10 मिनट तक इजी इनफ 10 मिनट तक फोन नहीं चलाऊंगी मैं इजी इनफ राइट उठते ही फोन कौन चलाता है सब चला रहे हैं तो एटलीस्ट ये सबसे ईजी स्टेप है उठते ही 10 मिनट तक फोन नहीं चलाना राइट इजी टू डू और मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में बट यू नो जैसे जैसे करते जाओगे ना इट विल योर ब्रेन विल परसीव इट टू बी द न्यू नॉर्मल राइट तो उसको नया नॉर्मल बनाने के लिए आपको ही करना पड़ेगा सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सम नॉन नेगोशिएबल्स अपने पॉइजन के अकॉर्डिंग एंड लास्ट बी कंसिस्टेंट बहुत ही रिडंडेंट लग रहा होगा ये तो हमने सुना है ये तो हमने करा है बट दिस इज एक्चुअली वॉट वी नीड This is actually what we need to succeed. Be consistent. Because a success is not, you know, one right decision out of, you know, ek right decision le liya aur hamari zindagi badal jayegi. No. It is a series of right decision among strong as well, but mostly right decision. Every day, we are making a choice. Every day, we are making a choice. Nahi. Every day, we are making thousands of choices. And even if 50% of those choices, we tend to make them right, it will lead to exponential change. Are you guys with me? Right? So,
I don't have a roadmap here. I would never give a roadmap out there. Because you guys have to build your own roadmap. मेरा roadmap मेरे लिए चल रहा है, आपके लिए नहीं चलेगा, तो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ. But this three things, identify your poison, set some non-negotiables. And by non-negotiables, I mean it. नहीं करना तो नहीं करना. You have the power, you have the willpower to do it. So, you know, nothing will change unless you want it to change. So I would suggest you guys to build your own roadmap, and even if you need any help, you guys can obviously reach out to me. I am obviously on Instagram and I will share my ID, sure. It's garima.virmani. So if you guys need any help, I can share my mail ID as well. But ultimately, you guys will bring the change you want in your life. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, and it was very, very helpful for all of us. Is it? Yes? Okay, now so to end the session, I would like to request our Dean Mr. Sahni sir to present memento to sir and ma'am, please. So thank you very much, Naveen sir and Garima, for this wonderful interaction. Thank you, students. I know it's very hot because the AC is not working properly, but you have been very patient. At times, when you are learning, you have to really adapt yourself for all these things. You don't know the place where you are going to work, you will get an air conditioner or not. So please accommodate yourself, adjust yourself to the environment, right? For you, this time, the most important thing in life is learnings. Okay, the more and more learnings you will add, the more and more earnings you will get in your life. There is one simple formula, that earnings are directly proportional to your learnings only. There is nothing else available. So thank you very much for this enlightening session, sir. And just wait for 5 more minutes. So I'll request Naveen sir to please come forward, and as a token of regards from all of us at Galgotia's University,